देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो एकांत, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा मैं। मैया आप ही नहीं डांटोगी ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं हो ना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ, दिखती है पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा 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 सुन तो। कान्हा आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा कान्हा मैंने कहीं रुक। अकेले वन के भीतर चला गयो तब भय ना लगो, हुँ? अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रो है। हाँ मैया, हाँ। चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाउ ना है, हाउ हो तो ही ना है। तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप? पहरा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा रसानंद रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप? राम बनकर उसका भी वध किया था, तो आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? तुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया जाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जे इसने भगवान जी खेल के सीखो है, या जे सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती हूँ। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है।
ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है ये। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे। मैं कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। आ आ ई ई ऊ ऊ। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। अभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे?